नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। देश में ईडी को लेकर सियासत अब सातवें आसमान पर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका उदाहरण आज देश भर में देखने को मिला। जी हाँ, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे सियासत के लिए कोई नए मुद्दे नहीं है। कई दिनों से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप मढ़ती रही है, लेकिन ईडी कार्रवाई के बाद कांग्रेस ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। राहुल गांधी ने महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ लोकतंत्र के खतरे का मुद्दा भी उठाया है, तो वहीं बीजेपी का अब सवाल है कि कांग्रेस का हल्ला बोल टाइमिंग को लेकर है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं अनुराग सिंहदेव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर इस समय रायपुर से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भोपाल के स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के बहुत ही जुझारू प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये बताएं कि आज जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो ये लगता नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, विपक्षी दलों को इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए, तो बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं जो हमारे साथ अनुराग जी हैं, क्या इसमें दिक्कत क्या थी आज के प्रदर्शन में? देखिए, ये जो आज प्रदर्शन था या पिछले एक हफ्ते से जो कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में और पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन कोई बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित ना होकर ये परिवार को बचाने के लिए प्रदर्शन है। क्योंकि यदि महंगाई पर चर्चा चाहती ये सरकार या विपक्ष यदि चर्चा चाहता महंगाई पर, तो आज पार्लियामेंट के अंदर निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, जवाब दे रही थी कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों कारण है, क्या समस्या है, ये सारी बातों का उल्लेख उन्होंने किया। कांग्रेस ने वहां से वॉकआउट कर दिया, बातें नहीं सुनी। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो भ्रष्टाचार में एक परिवार लिप्त नजर आता है, उसको लेकर कांग्रेस घबराई हुई है, और उस घबराहट को दूर करने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को हवा दी जा रही है और उस पर प्रदर्शन करने की नोटिस दी जा रही है। ये लेकिन जिस तरह से जो आज प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं धनंजय जी, क्या आज चूंकि लगातार प्रदर्शन हो रहा है, बेरोजगारी की दर तो वैसे भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में वैसे ही बहुत कम है, महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन हुआ है, देश भर में प्रदर्शन हुआ है और बड़े नेताओं ने सड़कों पर उतर के ये प्रदर्शन किया है, तो टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल उठता है कि भाई ईडी पर जब कार्रवाई हुई तभी इस तरह के प्रदर्शन हुए। देखिए अमित जी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास देश की जनता को जवाब देने के लिए कोई विषय नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिन वादों के साथ, जिन सपनों के साथ देश की जनता को सपने दिखाए थे, उसको पूरा करने में नाकाम साबित हो गए। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो 410 रुपए के रसोई गैस सिलेंडर को महंगा मानती थी, और 1153 रुपए के रसोई गैस सिलेंडर पर जब विपक्ष आवाज उठा रही है तो उस आवाज को सुनने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जब पेट्रोल डीजल पर 1 पैसे के दाम अगर बढ़ोतरी होता था तो आंदोलन सड़कों पर करती थी, और प्याज और लहसुन के माला पहनकर श्री इनकी जो नेत्रियां हैं, चाहे स्मृति ईरानी जी हो या एक तो स्वर्गीय हो चुकी उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, तो भाजपा नेत्री प्रदर्शन करती थी। आज जनता का सवाल जो कांग्रेस पार्टी सदन में उठा रही है, आप देखेंगे सदन स्टार्ट होता है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 10-12 दिन तक सदन में महंगाई पर चर्चा नहीं किया जाता है, और महंगाई के जब चर्चा का विषय होता है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है अमित जी। आप देखिएगा, जिस महंगाई से एक बच्ची पीड़ित है ना, वो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कहती है कि पेंसिल की कीमत बढ़ गई है, और जब मां से पेंसिल मांगती है तो डांटती है। उस महंगाई को दुर्भाग्य की बात है देश के वित्त मंत्री सीधा सीधा खारिज कर रहे हैं और नकार रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि एक बार जब प्याज और लहसुन की कीमत बढ़ी थी तो यही वित्त मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया था तो कहती कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हूं। तो आज मुझे ऐसा भी लगता है कि ये वित्त मंत्री जी तो किराना लेने दुकान भी नहीं जाती होगी, राशन लेने भी नहीं जाती होगी, तो उनको महंगाई का फर्क पता कैसे चल पाएगा। जिस महंगाई से एक बच्ची पीड़ित है ना, वहां भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये कहें कि ईडी कार्रवाई का, अरे ईडी ने बुलाया था, राहुल जी गए थे 55 घंटा पूछताछ करने के बाद ईडी उनसे पूछता है कि आप में इतना पेशेंस कैसे है। हमारी सोनिया गांधी जी बीमार होने के बाद ईडी के सामने गई है,
और नेशनल हेल्ड हमने सील करके कल सील को खोल दिया है, लेकिन जनता को बताइए कि महंगाई जो नरेंद्र मोदी ने देश के ऊपर परोसा है, जो महंगाई से जनता पीड़ित है, इसका क्या उपाय है? हर बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीजों को जिम्मेदार ठहराकर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है। भारत की जनता शिक्षित और साक्षर है और आपके नाकामियों को समझती भी है और सुन भी रही है और देख भी रही है। जी पंकज जी, एक सवाल ये बनता है कि किस तरह से आज जो प्रदर्शन हुआ है, ठीक है टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, विपक्षी दल तो हमेशा इस तरह के प्रदर्शन करती रहती है, तो आज इस तरह से सवाल जो उठना, मुझे नहीं लगता है किसी तरह का इसमें कोई गड़बड़ी है। ठीक है अमित जी, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो जब ईडी की कार्रवाई हुई और देशव्यापी कांग्रेस ने जब विरोध प्रदर्शन किया तो उसमें जबरदस्त हिंसा का सहारा लिया गया, बहुत हिंसा की गई, एक चीज। दूसरी चीज, जब ईडी की कार्रवाई चरम पे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई, तो अब जो है महंगाई का मुद्दा सामने रखा गया, क्योंकि क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे जो जमीन ली गई थी, वो जो संस्था का गठन किया था, आपने उस संस्था को ही खत्म कर दिया और आपने एक अपनी निजी संस्था बना ली, उसमें अपने 78% शेयर कर लिए, और उसके बाद जो लोन का खेल चला है, अब उसके बाद अगर कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है, तो अब इसमें महंगाई कहाँ से आ जाती बीच में। हाँ ये बात जरूर है, जो ये टाइमिंग का मुद्दा है कि ये टाइमिंग गलत है। अगर महंगाई वास्तव में कांग्रेस के नेताओं को चुभ रही है और वो वास्तव में महंगाई को महसूस कर रहे हैं और वो इतने संवेदनशील हो गए हैं कि महंगाई महसूस की जा रही है उनके द्वारा, तो फिर पूरे देश में जो है वो दिखना चाहिए, आग बबूला हो जाना चाहिए, महंगाई को लेकर आंदोलन। आग बबूला से मतलब ये नहीं आग लगा दी जाए, ये एक मुहावरा है, तो उसका एक परिणाम सामने आना चाहिए, देश हिला देना चाहिए, जिसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो वो स्थिति लाइए आपके सरकार को मजबूर कर। एक मिनट, ये सवाल जो जितेंद्र जी से लेते हैं कि भोपाल का मुद्दा था जिस तरह से आपने पूरे देश में, अमित जी, दुर्भाग्य की बात है, ऐसे लोग चैनल में बैठते हैं जो स्वयं को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, जहां देश महंगाई से पीड़ित है। मुझे दुख लग रहा है इनको पत्रकार कहने पे, इस महंगाई को वे खारिज कर रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण ही सरकार जो केंद्र में की मनमानी कर रही है, ये इतने दुर्भाग्यजनक बात कर रहे हैं। ऐसे घटिया सोच के लोग बैठते हैं जिनका पत्रकार बोलते हैं। अरे धनंजय जी, एक मुझे मुझे अरे कांग्रेस पे आरोप लगाइए। अरे धनंजय जी, आप इस पर बात कर रहे हैं, धनंजय शर्मानी चाहिए। अरे धनंजय जी, एक मिनट, अरे धनंजय जी, धनंजय जी, आपको शर्म नहीं आती? अरे धनंजय जी, एक मिनट, अनुराग जी, अरे गांधी परिवार के भारत की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों की दलाली नहीं करता। अरे धनंजय, लेकिन अगर पत्रकार बन के बैठे हुए हो, बात करिए आप। धनंजय जी, एक मिनट, धनंजय जी, मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, धनंजय जी एक मिनट, क्या दलालों को बैठा लिया? धनंजय जी एक मिनट, मैं, ये उनकी अपनी राय हो सकती है, एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट आप सुनिए, ये उनकी एक अपनी राय हो सकती है, मैं इसका जवाब, जितेन जी आप बताएं इस पूरे मामले में क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं देखिए अमित जी, सबसे पहली चीज तो पंकज पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार है निश्चित तौर पर, लेकिन महंगाई जो है, ये महंगाई खाली कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, यह देशव्यापी मुद्दा है, हर घर की समस्या है। आज गृहिणी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ये निश्चित तौर पर सबको मालूम है, लेकिन आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि महंगाई प्रधानमंत्री की उम्र के साथ बढ़ती जा रही है, कहीं कहते थे कि दिल्ली वालों शर्म करो, आज वही सब चीजें सामने आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। आप ये बताइए, स्मृति ईरानी सिलेंडर पर बैठ जाती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब मैं तुलनात्मक रूप से अगर देखूं तो 88.36 डॉलर पर मीट्रिक टन रेट हुआ करता था किसका, गैस का, और उसको 415 में हम बेचते थे जब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती थी। और अगर उसकी तुलना करें तो 47 यूएस डॉलर पर मीट्रिक टन का रेट आज है जिस पे आप 1053 की बेच रहे हो। शर्म नहीं आ रही आपको? जब कांग्रेस की सरकार थी 108.46 पर बैरल
का रेट था, लेकिन हमने 70 से ऊपर नहीं जाने दिया। आज 60.6 यूएस डॉलर प्रति बैरल का रेट है पेट्रोल का, आप 100 से ऊपर ले जा रहे हो और कह रहे हो हम देश के हित की सरकार है, देश को समझने वाली सरकार है। डूब मरना चाहिए इस सरकार को जो कि तानाशाही पर उतर आई है। अगर कोई आंदोलन करता है तो कहते हैं कि साहब ईडी की वजह से आंदोलन हो रहा है। ये ईडी तो आज अभी आया है, इसके पहले हमने आपने देखा पूरे देश में जन जागरण चलाया, जन जागरण मोहल्ले मोहल्ले गली चौपाल तक पहुंचा, इसके बाद घर घर दस्तक दे करके घर घर चलो अभियान चलाया इसी महंगाई इसी भ्रष्टाचार के विरोध में। और आज फिर पूरे देखिए राहुल गांधी सोनिया गांधी ईडी अलग मामला है, लेकिन महंगाई पे तो बात करना पड़ेगी। अगर हम महंगाई पे बात करते तो आप कहते हैं ईडी की वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी आपने कहा महंगाई बिल्कुल अलग मामला है, ईडी का अलग मामला है, टाइमिंग को लेकर एक बात हो रही थी। लेकिन बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है अनुराग जी, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि देश में जिस तरह से पिछले 7-8 साल में जो महंगाई बढ़ी है, कांग्रेस ने अपने जितने बड़े प्रदर्शन किए हैं उनके पास भी उसकी पूरी लंबी लिस्ट है, लेकिन पुराने भी ये बिल्कुल विपक्षी जो पार्टियां होती हैं उनको बिल्कुल हक है इस तरह के प्रदर्शन करने का। जवाब ही क्या है जवाब की, इतनी जो महंगाई बढ़ रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है, जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए, जवाब इसका जिसका चाहिए। अनुराग जी देखिए सार्थक मुद्दों का और सार्थक प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक परिवार को डिफेंस करने के लिए राजनीति कर रही है और आग लगाने की राजनीति कर रही है, ये बिल्कुल निरर्थक और गलत है। जहां तक महंगाई का प्रश्न है, आज सीतारमण जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में कोविड के कारण देश भर के अंदर विश्व भर में मंदी का वातावरण है, और मंदी के वातावरण के कारण यदि आप इंडेक्स देखेंगे तो विश्व के अनेकों विकसित देशों की तुलना में भारत की महंगाई जो है वो न्यूनतम दर पर है और भारत की महंगाई अंडर कंट्रोल है। कई देश तो कंगाल हो गए, बगल के पड़ोस देश दिखाई पड़ रहा है, कई जगह 600 रुपए 700 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बिक रहा है, वो भी दिख रहा है। बिक रहा है बताइए श्रीमान जी, ना 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 लाइव चैनल पे बैठे 700 नहीं, गलत बयानी नहीं, आप 700 रुपए लीटर कहां बिक रहा है बताना पड़ेगा। दिख रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ जी जी, श्रीलंका कंगाल हो गया, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ अनुराग जी। दूसरी बात ये है कि आज देखिए वैश्विक मंदी में, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी जी, क्योंकि महंगाई का मुद्दा है जी, और उसमें हम यदि अच्छी स्थिति में है, एकमात्र सरकार ये है, एकमात्र सरकार है कि आज डीजल पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए दो बार 10-10 रुपए कम करने के का काम मोदी सरकार ने किया, 5-5 रुपए डीजल में कम करने का काम इस सरकार बढ़ाया भी तो नरेंद्र मोदी ने था, आप देखेंगे बढ़ाया भी उसी नरेंद्र मोदी सरकार ने था ना। दूसरी बात अनुराग जी, दूसरी बात नहीं, दूसरी बात हो रही जीएसटी की तरह से, जीएसटी जो बढ़ा है, मैं कांग्रेस की तुलना कर रहा हूं सर, कांग्रेस की सरकार में ये ऑयल बॉन्ड इन्होंने लिया, ऑयल बॉन्ड का कर्जा आज देश चुका रहा है कांग्रेस के, और उस समय 2003 से लेकर 2014 सरकार थी 157% पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हुई थी, उसको आप काउंट करिए, और आज कितने प्रतिशत सही जगह है आप काउंट करके देख लीजिए, 2014 से लेके कितने प्रतिशत की वृद्धि आज तक हुई है ये काउंट करें। दूसरी बात ये है, एक महत्वपूर्ण बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार है, इनसे कहा जाता है कि आप 25% जो वेट ले रहे हैं पेट्रोलियम उसको कम करिए, तो ये कितना कम करते हैं 0.75% आंकड़ा गलत ये है। करते हैं ये 25 रुपए वसूल कर रहे हैं वेट में भी पेट्रोलियम डीजल, और ये महंगाई की बात कर रहे हैं जी, बस ये शेष लगा रहे प्रदेश से कम है छत्तीसगढ़ में। एक मिनट, सवाल ये है कि जीएसटी आप वसूल रहे हैं अनुराग जी, एक मिनट, सवाल ये है कि आज ये बहस जो महंगाई की है बेरोजगारी की है लोकसभा में उठ सकती थी, बाकी आपके धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से अनुराग जी ने कहा कि लोकसभा में बहस जो है हो सकती थी। धनंजय जी जी बोलिए, धनंजय जी आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, मैंने कहा ना सदन में सरकार की हैसियत नहीं है इसे जवाब देने की, वक्ता जैसे बात कर रहे हैं आप, एक मिनट अंतर्राष्ट्रीय कारण है तो सुनिए ना अंतर्राष्ट्रीय कारण है, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश में ना कोई भी समस्या राष्ट्रीय नहीं होता है, या तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है या तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार हो जाती है। एक बात बताइए, मैं श्रीलंका से तुलना कर रहे थे तो क्या श्रीलंका वालों के कहने पर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे आटा में 5% जीएसटी लगाया है,
दूध 5% जीएसटी लगाया है और आपने आयल पॉइंट की बात की है ना, आपके अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे देश में, 22,000 करोड़ का आयल बॉन्ड उन्होंने जारी किया था, उसके बाद हमारी सरकार बनी और आयल बॉन्ड के नाम से और देश को कितना लूटोगे, 27,00,000 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल में श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार ने जनता के जेब से लूटा है, तो वो पैसा कहां गया, वो पैसा कहां गया बताएंगे? रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया, आटा दाल पर आपने जीएसटी लगा दिया, सावन के महीने पर दूध और दही में जीएसटी लगाया आपकी सरकार ने, आप बताइए ना, 410 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर 1153 रुपए मिल रहा है और आपके वित्त मंत्री जी को महंगाई नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो सरकारी तरकारी खाती है और सरकारी सिलेंडर में खाना बनता है उसके पास में, एक बच्ची को पता है कि पेंसिल के दाम बढ़ चुके हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख रहे हैं लेकिन देश के वित्त मंत्री महंगाई को स्वीकार नहीं कर रही है, भाजपा के प्रवक्ता महंगाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, उस बच्ची से पूछिए जिसकी पेंसिल कीमत बढ़ गई है और जब पेंसिल मांगती है उसको डांटती है, और 27,00,000 करोड़ में जो जनता से लूटे हैं वो कहां गया पैसा, वो पैसा कहां गया? और आयल बॉन्ड आपके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जारी किया था 22,000 करोड़ का, आपको पता है ना कि याददाश्त कमजोर हो चुकी है आप लोगों की। धनंजय जी जवाब लेते हैं, अनुराग जी ये जिस तरह से ईडी की जांच अलग है, जिस तरह से धनंजय जी और जितेन जी का कहना है कि भाई ठीक है ईडी की जांच अपनी हो रही है, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देश भर में हल्ला बोल था, क्या महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही इस पे तो आप बताइए एक मिनट। जिस तरह के लग रहे रूप से मैंने कहा ना, मैं तो शुरू में ही कह रहा हूं महंगाई निश्चित रूप से बढ़ी है जी, और बढ़ने का कारण वैश्विक है, हम कोई घोटाले वाली सरकार नहीं है, जनता पर कोई विश्वास है इस सरकार के ऊपर, कोई 2G 4G कोयला घोटाला प्रधानमंत्री आवास में घोटाला 5G में घोटाला 5G में घोटाला हुआ है, पेट्रोल डीजल में 27 करोड़ जनता की जेब से कहां गया, अभी तक दे रहे हैं जी, अरे 80 करोड़ लोगों को 5 करोड़ के नाम से पेट्रोल बना रहे हो, धनंजय जी एक मिनट, एक सवाल है अनुराग जी, धनंजय जी अभी जनता आपको ढूंढ रही है, धनंजय जी एक मिनट, एक मिनट धनंजय जी एक मिनट, नेताओं को ढूंढ रहे पूछ रहे कहां है, नहीं सुन पा रही है धनंजय जी, धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी सवाल लेते हैं जितेन जी से, ये अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है कि भाई आज जिस तरह से काले कपड़े पहन के कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया है देश भर में या बहुत जगह किया है, तो आज का दिन जो है मंदिर राम जन्मभूमि का आज पूजन हुआ था, आज से पिछले साल प्रधानमंत्री ने किया था, आज का दिन क्यों चुना इसको लेकर उन्हें जरूर एक सवाल खड़े किए हैं जितेन जी, सवाल जितेन जी सवाल आज उनने अभी अभी उनने ये बयान दिया है और ये सवाल उठा जी। देखिए अमित जी, जी इस तरीके से अगर संयोग जोड़े जाएंगे तो 150 घटनाएं निकलेंगी जी, समझ रहे मेरी बात, ये सब ध्यान बटाने के लिए गृह मंत्री पांसे फेंकते हैं जिसमें उलझते हैं लोग। मेरा सिर्फ इतना कहना है महंगाई को लेकर काला कपड़ा पहना गया, महंगाई को लेकर के अभी बात आई कि सदन में चर्चा नहीं होती, सदन में लगातार चर्चा हो रही, जवाब नहीं आता है। मेरा ये कहना है वैश्विक महंगाई की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैंने आपको बताया कि 88.36 मीट्रिक टन का रेट गैस का हुआ करता था जब 415, जब वैश्विक महंगाई नहीं दिखती थी आपको, 108.46 पर बैरल डॉलर पर बैरल का रेट था जब हम 70-71 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे, आज $60 का है जब आप 100 पार कर रहे हैं, कौन से ऑयल बॉन्ड भी ले रहे हैं, एक मिनट सुनिए, बॉन्ड की भी बता रहा हूं, नहीं ऑयल बॉन्ड भी ले रहे हैं, मैं ऑयल बॉन्ड का भी बता रहा हूं, 27 क्योंकि वो तो देश को ही देना, धनंजय जी मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कभी नहीं बोलता किसी के बीच में, मेरा ये कहना आपको ये बताना चाहिए, बता रहा हूं ना, 27,00,000 करोड़ रुपया आपने इस देश की गरीब जनता से वसूल लिया और ऑयल बॉन्ड में 90, मेरे आंकड़े नहीं है सरकार के आंकड़े, 98,000, मैं सिर्फ आंकड़ों पे बात करता हूं, मैं इस तरह की फेंका फाकी वाली बात नहीं करता, 98,000 करोड़ रुपीज आपने ऑयल बैंड में जमा करा, 27,00,000 करोड़ का हिसाब तो देना पड़ेगा असल में अमित जी है क्या। देखिए जब ये सरकार बनी, अरुण जेटली वित्त मंत्री बने, तो अरुण जेटली एक बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं लेकिन अच्छे अर्थशास्त्री हो ये हरदम प्रश्न चिन्ह लगा रहा, अर्थशास्त्री वित्त मंत्री किसी को बना दीजिए लेकिन एक सलाहकार मंडल होता है 10 सदस्य जो वित्त मंत्री को अप एंड डाउन की सलाह देता रहता है, अपडेट करता रहता है,
अरुण जेटली साहब ने सलाहकार मंडल का गठन नहीं किया और इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था अरुण जेटली साहब के हाथ में सौंप दी। अब जो सीतारमण आई है वित्त मंत्री बनकर, देखिए अर्थव्यवस्था कहां से गड़बड़ाना शुरू हुई। आज सीतारमण है, जेएनयू की विद्यार्थी है रही है, लेकिन आज जब आप उनसे सवाल करेंगे तो कहती प्याज नहीं खाती मैं, लहसुन नहीं खाती मैं, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति के बयान हो सकता है क्या इस देश में? ऑयल बॉन्ड की बात करी जा रही, मेरा ये कहना है कि एक बच्ची का उदाहरण कितना मार्मिक उदाहरण है। इस प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आई जब उनके पास ये बात पहुंची। आप ये बताइए, ये प्रधानमंत्री, अभी छत्तीसगढ़ की बात आई, धनंजय जी ने कहा कि साहब 25 रुपए बैठ की बात। ये प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे पाप केंद्र करे और धोए राज्य सरकारें। ये बयान उनके, आप चाहें तो मैं उनको भेज सकता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा। विपक्ष अपना फर्ज निभा रहा है, सड़क पे लड़ाई लड़ रहा है, सदन में लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आप एक छोटा सा जवाब पंकज जी से भी लेते हैं कि सड़क पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पे संसद में बातचीत होनी चाहिए, क्या सवाल जवाब कम होना हो गए हैं या सत्रों जो सत्र हैं उस तरह के सवाल नहीं हो रहे हैं लोकसभा में जिसके जवाब आने चाहिए? क्या देखने में आ रहा है क्या पहले और अब में क्या? अमित जी, ऐसा है कि मेरी तो आवाज दबाने का प्रयास किया गया। नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं दबाई। जी, मैंने तीन चीजें कही थी। जी, मैंने कहा था कि एक चीज, धनंजय जी एक पंकज जी अपनी बात रखिए। जी आप बात रखिए। किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ कभी। जी जी आप बात रखिए। 40 साल से जी बोलिए, बोलिए बात कहने दी जाए। जी कहिए। ये जो फासिस्ट सोच है, आपातकाल की सोच है, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल आप बात रखिए। मैं तीसरी बात जो महंगाई के बारे में कहना चाहता था जी, वो ये है कि देखिए महंगाई बढ़ी है इसमें कोई दो राय नहीं है, और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम इस तरह से महंगाई को बढ़ाते जाएंगे तो क्या, और करारोपण हम करते जाएंगे तो क्या इस तरह से हम अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं? भाई आप देखिए कि कोविड के समय दवाइयों का क्या खेल चला है और क्या लोगों की स्थिति हुई है, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उनके कारण जो उलटफेर हुए हैं, उसके कारण फिर वो सारे एडजस्टमेंट राजनीतिक रूप से किए गए, उसके कारण वो सारा का सारा मध्यम वर्ग के बोझ आया। मुफ्त की योजनाएं आप लोग कोई बंद करना नहीं चाहते, वो राज्यों की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना चाहते हैं तो हम सिर्फ महंगाई बढ़ाकर या मध्यम वर्ग के ऊपर बोझ डाल के नहीं कर सकते। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए, और जबकि संघ के आरएसएस के सहकार्यवाह होसबाले भी बोल चुके हैं इस बात को कि सरकार महंगाई को कम करे। तो ये काम सरकार का है कि राज्य सरकार, और सबसे बढ़िया चीज ये है, सबसे अच्छी और आदर्श चीज ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों से ये शुरुआत करे और अपने शासित राज्यों के और उन राज्यों में जहां वो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन में शामिल वहां से शुरू करे। क्यों नहीं मध्य प्रदेश में यह होता है कि हम पेट्रोल और डीजल पर हम जब इतना 36% हम टैक्स काट रहे हैं, हम क्यों नहीं उसको 15% 20% कर सकते? जी पंकज जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि जो राज्य सरकारें हैं यदि बीजेपी की है तो वहां शुरू करें, और कांग्रेस की सरकारें भी इस तरह से मिसाल कायम कर सकती हैं, जहां पे उनकी सरकारें हैं वो भी कहीं पे इस तरह से जो टैक्सेशन है उसको कुछ कम कर सकती हैं। जितेन जी, बिल्कुल पंकज जी ने बहुत अच्छी बात करी कि ये सारी की सारी चीजों के जड़ में जाना पड़ेगा। आप राज्य सरकारें भी कम करें, केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि महंगाई को कम करने की दिशा में कदम उठता हुआ भी तो देखना चाहिए। यहां तो अगर सवाल कर दीजिए तो देशद्रोही हो जाते हैं, पाकिस्तानी कहलाने लगते हैं। मेरा यह कहना है, अभी तक यह होता रहा अमित जी कि विपक्ष की बात को सम्मान दिया जाता, लेकिन 2014 के बाद ये समझ में नहीं आ रहा है, विपक्ष को दबाने के प्रयास किए जा रहे। निश्चित तौर पर पाठक जी ने बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया है कि निश्चित तौर पर महंगाई को बढ़ाने में ये जो मुफ्त की योजना है, ये साथ में वो 30 लाख करोड़
जो आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया वो भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में चोट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन एक बात यह है कि किस तरह से बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दे पर अब यदि सड़कों पर कांग्रेस है, विपक्षी दल हम मान के चलते हैं विपक्षी दल इस मुद्दों को उठाता है, तो कहीं 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 ना कहीं जनता का भला होगा, और जनता का यदि भला होगा तो राजनीतिक पार्टियां या अच्छे विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आज के कार्यक्रम के लिए, शिरकत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।